Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. So today, in this exercise, you will be able to learn about the multiples and factors, as well odd prime numbers and even numbers. So question first is, write down the factors of the following numbers. You know about factors? Suppose that you have two numbers, A and B. A के प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. एंड बी के प्लेस पर भी आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर. सो सपोज दैट ए और बी टू नंबर्स हैं. अगर बी कम्प्लीटली डिविजिबल है ए से, बी कम्प्लीटली डिविजिबल है ए से, सो जो ए है जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो उसका एक फैक्टर है. तो आपको यहाँ कुछ फैक्टर्स बताने हैं इन नंबर्स के. इट मींस ये जो नंबर है, सपोज दैट फर्स्ट इज 45. सो 45 किन किन नंबर्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली ये डिवाइड हो सकता है. सो जिन जिन नंबर से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, वो इसके फैक्टर्स होंगे. सो आपको वही बताने हैं. सिमिलरली 60 किन किन नंबर्स से डिवाइड हो सकता है, सपोज दैट 1 से 2 से डिवाइड हो सकता है, जिन भी नंबर्स से डिवाइड हो सकता है वो सभी इसके फैक्टर्स हैं. सो देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 45 आप देखेंगे कि 1 जो है, 1 सभी जितने भी डिजिट्स होती हैं, 1 सबको डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली. सो 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है. सो 1 45 को 45 टाइम्स ही डिवाइड करता है. देन 3, देखिए 2 से ये 45 डिविजिबल नहीं है, 1 के बाद 2 आता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑड नंबर. 45 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, और that numbers ends with, actually some numbers ends with 0 2 4 6 8. so वो सभी क्या होते हैं, even numbers होते हैं, और वो 2 से completely divisible होते हैं. but यहाँ पर ये even number नहीं है, इसलिए ये odd number है, that's why ये 2 से divisible नहीं है. so 3 से देखते हैं. 3 से जो divisibility होती है, मैं आपको next exercise में explain करूँगी कि divisibility क्या होती है. so यहाँ देखेंगे 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं. अभी आप इसको नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हैं 3 से, सो ये 15 टाइम्स डिवाइड होगा. देन 4 से ये डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 4 में भी कौन से 4 से कौन नंबर से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं. सो अगेन 5 से, 5 9 45, 9 टाइम्स डिविजिबल है. देन अभी देखेंगे हम, ये 15 से भी डिविजिबल है. आई थिंक आप देखेंगे इसको 3 मल्टीप्लाई 15. सो अब आप एक चीज़ कंसीडर करें यहाँ पे, कि ये 1 से 3 से 5 से डिविजिबल है, बट जो हमने बाद में नंबर्स लिखे हैं लाइक 45 15 एंड 9, सो ये इनसे भी डिविजिबल है. जैसे कि 9 से 5 टाइम्स, 9 5 ज़ा 45, 15 से 3 टाइम्स, 15 3 ज़ा 45, एंड 45 1 ज़ा 45, 1 टाइम्स. सो ये जितने भी नंबर्स हैं, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जो आपने मल्टीप्लाई में लिखे हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे जो आपका नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है. सो फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 3 5, देन असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हैं, सो 9, देन 15 45, लास्ट इज 45. सो इट इज़ योर ऑल फैक्टर्स ऑफ 45. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 60. सो 60 किन किन नंबर से डिविजिबल है ये देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, सो 1 से 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, देखेंगे 2 से, बिकॉज 60 इज़ एन इवन नंबर, दैट्स वाई ये डिविजिबल है 2 से. 3 से 20 टाइम्स डिविजिबल है 60, देन 4 से 15 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स डिविजिबल है. अगर आप 5 से, सपोज दैट अब आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से आप किसको डिवाइड करते हैं, 60 को, सो आपको 15 क्वोशेंट मिलता है. सो दैट्स वाई 15 टाइम्स डिविजिबल है. देन आप 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपको 12 क्वोशेंट में मिलेगा, सो 12 टाइम्स डिविजिबल है. देन 6 से 6 10 60. सो अभी हमने दोबारा से नहीं लिखा है कि ये जो 60 है ये 10 से डिविजिबल है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 10 आ चुका है. 60 12 से डिविजिबल है, 12 5 ज़ा 60, देन 15 4 ज़ा 60, 20 3 ज़ा 60. आप उल्टा करेंगे, पहले आपने देखा 3 20 ज़ा, 4 15 ज़ा, 5 12 ज़ा 60, बट अभी आप इसको रिवर्स कर देंगे अपोजिट, दैट 61 ज़ा 60, पहले आपने लिया था 160 ज़ा 60. सो अभी अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिविजिबल है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिविजिबल है,
20 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिविजिबल है। तो ऐसे करके जिन जिन नंबर से डिविजिबल है आप वो सभी इसके फैक्टर होंगे, उनको आप लिख लेंगे इस तरीके से। अगेन वी हैव टू राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन 1, 2 कॉमा लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 31 and 51। इवन नंबर्स, यू ऑल नो दैट अबाउट इवन नंबर्स, द नंबर्स एंड्स विद 0, 2, 4, 6 and 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, जिनके वंस प्लेस पर, वंस जो उनकी डिजिट होती है उस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, इवन नंबर्स होते हैं। ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं मेरे। सो 31 और 51 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको आप ओरली भी कर सकते हैं बहुत इजीली। 31 के बाद क्या आता है, काउंटिंग करेंगे 31। अब जो जो आपको इवन नंबर्स मिलेंगे उसको आप अलग से याद रखते जाएंगे कितने इवन नंबर्स हैं, आप नोट कर लेंगे। सो 31 के बाद 32, सो 2 आ रहा है इसके वंस प्लेस पे तो ये इवन नंबर है। देन 33, 34, सो 4 आ रहा है वंस प्लेस पे तो दैट इज़ इवन नंबर। 35, आफ्टर दैट 36, 6 इज इवन नंबर सो 36 इवन नंबर हो गया। 37, 38, 38 इवन नंबर है। तो इस तरीके से 51 तक जो भी इवन नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है। सो आंसर इज इवन नंबर्स बिटवीन 31 and 50, यू कैन राइट हियर एज इट इज़ इन क्वेश्चन। सो 32, 34, 36, 38, 40 and 42, 44, 46, 48 and 50, बिकॉज 50 के बाद आता है 51, दैट इज़ नॉट एन इवन नंबर, दैट इज़ एन ऑड नंबर। सो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर वंस प्लेस पर क्या क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6 और 8। देखिए वंस प्लेस है, ये वंस है और ये टेंस है, सो हमें वंस प्लेस चेक करना है। सो जिन पे वंस प्लेस पे 0, 2, 4 या 6, 8 होता है वो इवन नंबर्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 less than 100। अभी आपने फैक्टर्स समझा है, इवन नंबर्स आप समझ चुके हैं। सो व्हाट इज़ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स भी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो मल्टीपल्स क्या होते हैं दोबारा बता देते हैं। देखिए आप जब किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट आप सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1, सो 1 से करेंगे। सपोज दैट हेयर इज़ 9, सो 9 की मल्टीप्लाई 1 से करिए, सो 9 1 ज़ा 9। देन 2 से करिए, 9 2 ज़ा 18। देन 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। सो ये जो 9 18 27 36 देन 45 54, ये जो भी हैं जो नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई के बाद, ये सभी क्या है, 9 के मल्टीपल्स हैं। इट मीन्स आप समझ रहे हैं। सो अभी आपको मल्टीपल्स बताने हैं 9 के, यानी 9 को आप जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से, जो भी आंसर आएगा वो इसके मल्टीपल्स होंगे, बट लेस देन 100, मतलब 100 से छोटे होने चाहिए, कम लेस देन होने चाहिए। सो आप जब 9 का टेबल पढ़ते हैं तो उसको लास्ट में आता है, जब आप टेंजा पे जाते हैं 9 टेंजा 90, सो 90 इज़ ऑल्सो लेस देन 100। देन 9 की मल्टीप्लाई आपने 10 से की तो सो यू गॉट 90। इफ़ यू के यू मल्टीप्लाई बाई 11 सो यू गॉट 99, सो 99 इज़ ऑल्सो लेस देन 100। सो 99 के बाद क्या आएगा, आप 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसमें 9 प्लस करेंगे, या तो आप 11 से मल्टीप्लाई किया आपने 99 मिला, देन 9 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 12 9 ज़ा 108। सो 108 इज़ ग्रेटर देन 100। सो आपको कहाँ तक लेना है, 99 तक लेना है, क्योंकि 99 से आगे जो 9 का मल्टीपल है, नेक्स्ट मल्टीपल वो है 108। सो 108 जो है वो लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन हो जाएगा 100 से। सो इसीलिए आपको कहाँ तक लेना है, 99 तक। यस, मल्टीपल ऑफ 9 लेस देन 100, दैट इज़ 9 1 ज़ा 9। पूरा 9 का आपको टेबल लिखना है यहाँ पे, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 5 ज़ा 45, 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। देन 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 11 से, 9 11 ज़ा 99। सो 99 इज़ लास्ट मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज़ लेस देन 100। सो इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। सो ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, इनको आपको, इन नंबर्स को ऐसे सम में एक्सप्रेस करना है इनका, जो कि 3 ऑड प्राइम्स हों। देखिए 3 मतलब आपको पता है, 3 ऑड मीन्स
जिनके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 and 9 आता है. इट मीन्स जो इवन नहीं होते हैं, इवन आपको सबको पता है 0, 2, 4, 6, 8 जिनके वंस प्लेस पर आए. सो ऑड नंबर हों और प्राइम्स हों. प्राइम्स मीन्स क्या होता है? प्राइम्स मीन्स होता है ऐसे नंबर जिनके जिनके फैक्टर्स दो फैक्टर्स होते हैं, केवल दो फैक्टर्स होते हैं जिनके. कौन कौन से? एक तो वन, और वो खुद इट्सेल्फ. इट मीन्स वो नंबर खुद से होता है. सपोज दैट आप 5 हैं, 5 को आप डिवाइड कर सकते हैं क्या किसी नंबर से? नहीं, बिकॉज 5 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है या 5 से होता है. सो 5 के फैक्टर्स कितने हुए? 1 और इट्सेल्फ, यानी वो 5 हुआ खुद से. सो जिस भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद अपना नंबर, सो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. जैसे कि 7 है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता है. 7 या तो 7 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से. अगेन 11, 11 11 से डिवाइड हो सकता है या 1 से. देन 13, 17, 19, 23. सो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं. सो आपको इन नंबर्स को 3 प्राइम नंबर्स में के सम के रूप में लिखना है. और वो क्या हो रहा, वो क्या होंगे? ऑड होने चाहिए. देखिए ऑब्वियसली जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं. मोस्टली जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड ही होते हैं. सो आपको सम में लिखना है, सम करके. आंसर इज 21. फर्स्ट इज 21. सो सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. देखिए 21 को आप सम, आपके सम फॉर्म में लिखना है, एडिशन फॉर्म में. सो 3 ऑल्सो ऑड प्राइम नंबर, 5 ऑल्सो ऑड प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो. तो 3 प्लस 5 8 एंड 8 प्लस 13 21. सो इट इज सम ऑफ 21 एंड ऑल 3 आर ऑड प्राइम नंबर्स. अगेन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 11. 3 प्लस 7 10 एंड 10 प्लस 11 21. सो आप इस नंबर को इस एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं. बट एक जो कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई करनी है आपको, कि जो भी नंबर्स आप लिखेंगे सम में वो ऑड होने चाहिए और प्राइम्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज 31. सो सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. देखिए इसमें 5 प्लस 7 प्लस 19. आपको प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं. सो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 19 31. आप कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको दोनों आंसर लिखने हैं. आपको चाहे आप ये आंसर लिखिए, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, आपका सही होगा. सो 3 प्लस 11 प्लस 17 ऑल्सो 31 इक्वल्स टू 31. नेक्स्ट 7 प्लस 11 18 प्लस 13 ऑल्सो इक्वल्स टू 31. सो नेक्स्ट इज 10, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 9 क्वेश्चन के जैसा है, बट फिर भी मैं आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए 9 क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जो सम है वो 3 ऑड प्राइम्स नंबर होने चाहिए. और यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 10 क्वेश्चन में कि जो सम है वो 2 ऑड प्राइम नंबर्स का होना चाहिए. मतलब ये और भी ज़्यादा ईजी है 9 से. सो 44 है आपका फर्स्ट पार्ट, 44. सो 44 को आपको 2 ऑड प्राइम नंबर के सम में लिखना है. सो 44 को आप लिख सकते हैं 13 प्लस 31. देखिए 13 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो ऑड. 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. सो 13 प्लस 31 यू गॉट 44. नेक्स्ट इज 7 प्लस 37, बिकॉज 37 ऑल्सो अ प्राइम नंबर. सो 7 प्लस 37 व्हेन यू ऐड बोथ नंबर्स यू गॉट 44. अगेन 41 प्लस 3 बोथ आर ऑड एंड प्राइम नंबर्स. सो यू गॉट हेयर 41 प्लस 3 44. सो आप कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. बट आप कोई भी एक आंसर भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो. देन 18 सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स दैट इज 5 प्लस 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स. सो 5 एंड 13 यू गॉट 18. 7 प्लस 11 इक्वल्स टू 18 एंड बोथ आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो सेशन इज गोइंग टू एंड नाउ. If you want more informative videos of maths, then please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.